Power of Mathematics, Dramatic Application of the Method of Dimensional Analysis. आज हम लोग मैथमेटिक्स और फिजिक्स के एक बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन को एक बहुत ही फेमस स्टोरी के थ्रू देखने जा रहे हैं। अगर हमें कोई जैसे ही बोलता है एटॉमिक वेपन्स तो हमारे दिमाग में सबसे पहला इमेज बनता है हिरोशिमा एंड नागासाकी। जो आप इस इमेज को कई बार देख चुके हैं और इस तरह के ब्लास्ट के बारे में या इस तरह के सिचुएशन के बारे में आप बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहा हूं। बट एटॉमिक वेपन्स से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी को, जहां एक मैथमेटिक्स और फिजिक्स का एक बहुत ही सुंदर एप्लीकेशन है, मैं उसके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अच्छा, आप सभी को ये पता है कि पहला एटॉमिक वेपन्स हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल हुआ था। क्या कभी आपने सोचा, जैसे भारत देश है, हम परमाणु बम हमारे पास है बट इसको हमने कभी यूज नहीं किया, बट इसकी टेस्टिंग किए हैं। तो क्या जो यूएस ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो इनको यूज किया, तो क्या इसके पहले इसकी टेस्टिंग नहीं हुई होगी? तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि हमारे प्लेनेट अर्थ पे फर्स्ट एटॉमिक एक्सप्लोजन कब हुआ था, तो ये कहना कि वो हिरोशिमा और नागासाकी था, ये गलत होगा। उसकी टेस्टिंग जब हुई थी, उस दौरान हमारे प्लेनेट अर्थ पे पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था। और उस प्रोजेक्ट का क्या नाम था, बहुत इंटरेस्टिंग, और इसी में एक बहुत ही मैथमेटिक्स और फिजिक्स का बहुत ही बेहतरीन एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं एक बहुत ही महान साइंटिस्ट के द्वारा, आपको बहुत एक्साइट करेगा। ओके, उस टेस्ट का नाम था ट्रिनिटी टेस्ट, जो 1945 में कंडक्ट हुआ था। ओके, और ये दो इमेज आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, ये और दोनों में एक बार डायमेंशन देखिएगा। यहाँ पे रेडियस डायमेंशन का दिया हुआ है और इस इमेज में दिया हुआ है, दोनों इमेज में अंतर क्या है? दोनों एक्सप्लोजन का इमेज है जो उस ट्रिनिटी टेस्ट में टेस्टिंग के दौरान हुआ लिया गया था, जो बहुत हाई स्पीड फोटोग्राफी था और जिसे 1950 में लाइफ मैगजीन में इसे एक एडिशन में इसे पब्लिश किया गया था, बट बगैर किसी इंफॉर्मेशन के, सिर्फ पब्लिक को एक इन्फॉर्मेशन दिया, क्योंकि ये बहुत हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट होते थे और इस तरह के कभी भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आते थे। हाँ, पब्लिक को अवेयर करने के लिए इस तरह के इमेजेस पब्लिश किए गए। देखिएगा यहाँ पर, ये एक टाइम है, ये दूसरा टाइम है, मतलब दो डिफरेंट टाइम पर एक्सप्लोजन का क्या रेडियस है ये पब्लिश किया गया। बट कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन पब्लिक को नहीं देना था, बट डेटा का कोई मीनिंग नहीं होता, बट डेटा से मीनिंग निकाला जाता है। तो इसी को डिकोड किया एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने, जो आपको बहुत एक्साइट करेंगे। सो इनका नाम आपने सुना होगा, सर टेलर। टेलर बहुत फेमस नाम है, जिनका एक्सपर्टीज था फ्लूइड डायनेमिक्स एंड वेव थ्योरी। ऑफ कोर्स ये दोनों चीज यहाँ पर, एंड मैथ इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो मैथमेटिशियन तो ऐसे भी थे ये। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि जब भी एक्सप्लोजन होता है तो वहाँ पर स्पीड क्या होगी एयर की, वहाँ पर किस तरह के पार्टिकल्स होंगे, इनकी बहुत वास्ट नॉलेज चाहिए। तो इन्होंने, मैं इनके बारे में और भी बताऊँगा, इन्होंने कुछ पेपर पब्लिश किया और जिन्होंने इन्होंने एप्लीकेशन किया था बकिंगम पाई थ्योरम, जो कि डायमेंशनल एनालिसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। इन्होंने कई तरह के फैक्टर्स लिए, जो ये ब्लास्ट हुआ, जो ये इमेज पब्लिश हुआ, ओके, जैसे इन्होंने हाई स्पीड फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया, टाइम स्टैम्प्स एंड फिजिकल स्केल ऑफ द ब्लास्ट रेडियस। और देखिए इन्होंने क्या किया, अब मैं आपको बताता हूँ। सो वो टाइम था कोल्ड वॉर का, आप सभी को पता है, एंड सोवियत्स एंड यूएस अमेरिकन्स क्या रेस चल रही थी अमेरिकन वेपन्स को लेकर, और हम अपनी सुरक्षा कर रहे थे वेपन्स बनाकर। ओके, सो इन बातों को रहने देते, खैर छोड़िए। जैसे हम साइंस पढ़ते हैं तो हर एक फैक्टर का एक यूनिट होता है, जैसे मास है तो केजी है, एनर्जी है तो जूल है। तो जैसे एटॉमिक ब्लास्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ, और ये जो हमारे जो साइंटिस्ट टेलर हैं, ये उस प्रोजेक्ट में थे, इन्होंने उसको देखा था, बट इनके पास भी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं था। सो जो एटॉमिक वेपन्स था उसमें डिस्ट्रक्टिव पावर कितना है, कितना रिलीज हुआ, ये उनको मेजर करना था कि उस एक्सप्लोजन के दौरान कितना एनर्जी रिलीज हुआ। और जैसे कि यूनिट होता है, तो इसी तरीके से इसको एक्सप्रेस किया गया नॉन एसआई यूनिट ऑफ टन्स ऑफ टीएनटी। टीएनटी एक आपका ट्राई नाइट्रो टॉयलिन, एक कन्वेंशनल केमिकल एक्सप्लोसिव है, जो भी बच्चे 11 12th में पढ़ते हैं वो इसका नाम सुने हैं, पी ब्लॉक में मेंशन किया हुआ है। ओके, सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, अगर किसी को इसकी बहुत डिटेलिंग चाहिए तो मैं इसका पेपर भी, जो पब्लिश पेपर है वो, और ये पीपीटी, दोनों मैं अपने टेलीग्राम लिंक ग्रुप पर मैं शेयर कर दूंगा।
तो ये हमारे बेहतरीन जो ब्रिलियंट पर्सन, ब्रिलियंट माइंड है, इन्होंने इसको एनालाइज किया और इन्होंने बहुत सारे फॉर्मुलेशन किए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट आप सुने होंगे, और इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी लास्ट में बताऊंगा। ये ओपेनहाइमर हैं जो इस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे, और दैट बाय द टाइम ऑफ द एटोम रेस ऑफ एटोमिक वेपन्स जो हाइजनबर्ग और ओपेनहाइमर के बीच में चल रहा था। खैर, हाइजनबर्ग बहुत आगे थे, ओपेनहाइमर तो बाद में स्टार्ट हुए, बट सक्सेस ये किए थे। सो इन्होंने इमेज को लिया, देखिए पब्लिश हुआ पेपर, तो जिसमें इमेज एनालिसिस इमेज हुआ जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर एटॉमिक एक्सप्लोजन का रेडियस दिया गया था। तो इन्होंने उस एनर्जी को कैलकुलेट किया जो एटॉमिक एक्सप्लोजन में रिलीज हुआ, एस्टिमेट किया, और उन्होंने एक फॉर्मूला बनाया। ओके, तो यहाँ पर सी क्या है? डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ये रो क्या है? एयर डेंसिटी है बिफोर द एक्सप्लोजन। ओके, और ये आर क्या है? आपका रेडियस है। और यहाँ पर टाइम, टी क्या है? टाइम है। तो मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं बताऊँगा, जिनको ये ऐसी चीज़ें एक्साइट करती है वो इस डिटेल को ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने मैथमेटिक्स के बल पर विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, सिर्फ उस टाइम और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट एटॉमिक रेडियस उस ब्लास्ट का, उसके बेसिस पर इन्होंने कैलकुलेट किया कि जो लाइफ मैगजीन में इमेज पब्लिश हुई है उसमें 16,802 23,700 थाउजेंड टन TNT इस्तेमाल हुआ होगा, ठीक है। इतना एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। जब बाद में जब ये रियल फिगर पब्लिश हुआ, आप देख सकते हैं वो कितना क्लोज था। सो दिस इज कॉल्ड रियल मैथमेटिक्स, रियल फिजिक्स। ओके, जो बच्चे हमेशा से सिर्फ दो क्वेश्चन कैलकुलस के लेकर उसके आंसर को निकाल लिया करते हैं, एंड दे फील प्राउड कि मैथमेटिशियन है, प्लीज ऐसे पर्सन्स को अपना रोल मॉडल बनाएं। ओके, और मेरा भी यही मकसद है, डिटेल आगे देखिएगा। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मैनहट्टन प्रोजेक्ट, मैं खुद बहुत खुशी से, मैं इस बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। मैंने सुना है क्रिस्टोफर नोलेन मैनहट्टन प्रोजेक्ट को मूवी बना रहे हैं, एंड आई एम रियली, मैं वेट कर रहा हूँ कि कैसे क्रिस्टोफर नोलेन इसको प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि कोई और डायरेक्टर और कोई भी क्रिएटर अगर इस मूवी को बनाता, मैं आपको अंदाजा नहीं है कि उस प्रोजेक्ट में कैसे कैसे लोग इन्वॉल्व थे। फैनमैन, माय फेवरेट, ओपेनहाइमर, हाइजनबर्ग, क्या हाइजनबर्ग को ये इंक्लूड करेंगे? क्योंकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट में तो वो नहीं थे, बट हाइजनबर्ग के फेल्योर के बाद ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था। सो आई एम रियली, मैं वेट नहीं कर पा रहा हूँ ये मूवी कब आएगा। सो आई होप ये आपको लिए साइंस में, जो बच्चे रियली में साइंस को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए बहुत एक्साइटिंग स्टोरी होगा, और आप इसके थ्रू अपने को मोटिवेटेड फील कर सकते हैं, और रियल मैथमेटिक्स और साइंस के प्रति आप अपने कैरियर को, अपनी पढ़ाई को शेप दे सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो बहुत पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं ये डिटेल्स और इसका पेपर जो पब्लिश हुआ था, मैं आपको अपने टेलीग्राम लिंक कैम्प्रोन पे शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब सभी का नाम कैम्प्रोन है। मिलते हैं अगले ऐसे ही किसी स्टोरी में जो आपको साइंस की तरफ आपका ध्यान और ज़्यादा ले जाए और आपको मोटिवेट करे एक रियल साइंस पढ़ने के लिए। थैंक यू।